चलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नॉर्मल विद्या कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। हमने अभी आपको वीडियो में जस्ट बताया था कि स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने आज स्टैटिक्स का एक टॉपिक लिया है, व्यवसाय सामग्री का समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, तो देखते हैं समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में जो है आपको क्या नमूने लगाने हैं, क्या कैसे पढ़ना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं समांतर माध्य माध्यिका बहुलक को हमने कुछ टेबल्स के रूप में इसको जो है आपके फार्मूले हैं, फार्मूलों को समझने के लिए कुछ टेबल के रूप में हमने इसे बना दिया है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं क्रमांक, ठीक है, क्रम संख्या, क्रम संख्या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं समांतर माध्य पर, समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि ये अक्षवाह होता है, ठीक है, इसका सिंबल है जानने का प्रतीक है। उसके बाद है माध्यिका, क्या है माध्यिका, इसका सिंबल होता है एम, ठीक है। उसके बाद होता है बहुलक, बहुलक का सिंबल होता है जेड, ठीक है। ये होता है श्रेणियों में, ये होता है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, ये होता है खंड श्रेणी, खंड श्रेणी, और ये होता है सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान क्या है, मैं आपको बताई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ एसआर नंबर, एसआर नंबर दिया रहता है, सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद खंड श्रेणी में एसआर नंबर प्लस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति की पहचान क्या है, कभी घटे कभी बढ़े, ना लगातार घटे और ना लगातार घटे, ठीक है। कभी घटे कभी बढ़े, ना लगातार घटे ना लगातार बढ़े, पहचान है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सतत श्रेणी, सतत श्रेणी में होता है क्लास, क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या क्लास इंटरवल, ठीक है। मार्क लेस दैन, मार्क मोर दैन, मार्क अंडर, मार्क एबल, मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु, ये सब क्या होते हैं, सतत श्रेणी के अंतर्गत लिखे रहते हैं, ठीक है। तो आगे हम आगे टॉपिक आपको बताएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन तो बता देंगे, ये सब चीजों का आपको बताएंगे, ठीक है, क्या कैसे होता है। आते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य को देखते हैं, क्या फॉर्म होने लगेगा। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य के लिए होता है यदि बाहर की बल टू सिग्मा या समान एन, सिग्मा या समान है कि पदों का योग बटे हुए संख्या, तो सिग्मा यक्ष इति बल टू पदों का योग, ठीक है, और एम इति बल टू होता है उनकी संख्या, ठीक। उसके बाद खंड श्रेणी में देखते हैं यक्ष भाग को क्या देखते हैं, यहाँ पे होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यहाँ पे सीरियल नंबर को एस आर को यक्ष मानते हैं, क्या मानते हैं, यक्ष, ठीक है। उसके बाद यफ से क्या करते हैं, गुणा, यफ से यक्ष को क्या कर देते हैं, गुणा, ठीक है ना। तो प्राप्त संख्या क्या बन जाएगी, एफ एक्स, प्राप्त एफ एक्स। अब ये फार्मूला लगा देंगे, अब इसमें एन लिखा है और इसमें एफ लिख रहा है और एन आपको दिख नहीं रहा है, तो एन कैसे लिखेंगे, तो सीधे सीधे बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो है एन इज इक्वल टू एफ, एन इज इक्वल टू एफ नंबर भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी ही आपका क्या है, एन नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सतत श्रेणी, सतत श्रेणी में भी यही फार्मूला लग जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे एफ और एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो
वही क्लास दिया रहेगा, क्लास में ऐसे ही आपको दिया रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, इसको मानेंगे L1, L2 और x के लिए, x के लिए पता है क्या करेंगे, L1 प्लस L2 by 2 is equal to x, ठीक है, L1 प्लस L2 by 2 is equal to x, तो इससे आपको x निकल जाएगा, या ऐसे भी जोड़ लेते हैं कि दो संख्या जो दी रहेगी L1 और L2, L1 बनी है x और L2 बनी है, सॉरी L1 और L2 दोनों को जोड़ के उसका आधार करें, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधार क्या होता है, x, यहां पे हो जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx / n और हो जाएगा x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 / 2, फार्मूले में लगा देंगे, अब जानते हैं f इज इक्वल टू n या नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फार्मूला लगा देंगे आ जाएगा। आइए मैं संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी फार्मूला तैयार कर रहे हैं, फार्मूले के बाद हम आपको जस्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। उसके बाद है माध्यिका, माध्यिका में भाई इसमें भी वही सीधा नंबर व्यक्तिगत श्रेणी होता है, सीधे नंबर, ठीक है, सीधे नंबर दिया रहता है, इसमें एम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे होता है एम इज इक्वल टू एम प्लस 1 / 2वां पद, ठीक है, एम इज इक्वल टू एम प्लस 1 / 2वां पद, यानी कि और एक चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो छूट रहा है, इसको सबसे पहले, सबसे पहले श्रेणी को, श्रेणी को व्यवस्थित करें, ठीक है, श्रेणी को व्यवस्थित करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, असंगिक का विसंगिक का वो भी ना समझ रहा है, तो सबसे छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार श्रेणी को व्यवस्थित करके m = Z, ठीक है,
जो आप देंगे ब्रेकअप में फ्रीक्वेंसी करी हो उसे जेड माने, ठीक है। अभी प्रत्येक से संबंधित में क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका है सतत श्रेणी में बहुजन के लिए है जेड इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस में जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, और आई की इक्वल टू होता है एल टू माइनस एल वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतने प्रयोग होंगे इसमें समांतर मार्ग, माध्यिका और गोलक, और ये जो है आपका एग्जाम में, ये एग्जाम में जो है एक कानपुर यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का आता है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का आता है, और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का आता है, ठीक है। और फैजाबाद यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का आता है, ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल हुआ। अब उसके बाद थ्योरी हो जाता है, इसमें एक थ्योरी भी बन जाता है समांतर यानी कि व्यावसायिक शांति, तो हमें इसमें केंद्रीय वृत्त की माप क्या, केंद्रीय वृत्त की माप में प्रयोग होने वाले विधियों को बताइए। तो केंद्रीय वृत्त की माप, केंद्रीय वृत्त में तीन विधियां प्रयोग होती है, समांतर मार्ग, माध्यिका और बहुलक। समांतर मार्ग, माध्यिका, बहुलक, तीन का नियम का विस्तार अगर आप जानते हैं तो आपको जो है ये कम से कम आपको ये मार्क्स वगैरह आपको मिला सकते हैं, ठीक है।